My dear friends and student, I welcome you again on my YouTube channel, Education Innovation. In the last video, we have covered two topics. One is the type of statements in the Python, and second is the flow of control. So, in this video, we will do some practical exercise on the sequence control flow. लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किया था फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर मैंने आप लोगों को थ्री टाइप्स के फ्लो बताए थे. वन इज द सीक्वेंस, सेकंड इज द सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज द इटरेशन और लूपिंग. सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीक्वेंस कंट्रोल फ्लो के ऊपर प्रोग्रामिंग की. नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट यानी कि सिलेक्शन कंट्रोल फ्लो के प्रोग्रामिंग की. एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए वो होगा लूपिंग के ऊपर. ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सीक्वेंस कंट्रोल फ्लो के ऊपर हम कुछ प्रोग्राम्स कवर करेंगे. एक लेट मी रिवाइज द व्हाट इज सीक्वेंस कंट्रोल फ्लो. सीक्वेंस कंट्रोल फ्लो का मीनिंग क्या होता है, सपोज दैट आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा है. प्रोग्राम्स के अंदर क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं. सपोज दैट आपने कोई भी एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर काफी सारे स्टेटमेंट हैं. उनमें क्या होगा, सबसे पहले आपका स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में आपका स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में आपका स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट होगा. All the statement will be executed line by line. और एक sequence maintain रखते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं sequence control flow. So अभी हमने जब introduction और Python fundamental की बात की थी, उस time मैंने एक program करवाया था आप लोगों को, जिसमें था addition of two number, एक तो ये था और दूसरा था arithmetic calculations हमने perform करवाई थी दो number के ऊपर, addition, subtraction, multiplication, division, power, इन सभी को हमने cover किया था. वो जो दो प्रोग्राम है हमारे, वो दोनों ही आपके सीक्वेंस कंट्रोल फ्लो के एग्जांपल है, क्योंकि उनमें सारे स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं. ओके, सो पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंस कंट्रोल फ्लो के ऊपर. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स टाइम इन सेकेंड्स एज इनपुट एंड कन्वर्ट इट इन टू द आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ इनपुट इज 3636, then output should be 1036. Okay, ये होना चाहिए आपका. So ये प्रोग्राम है. देखिए, जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो जनरली हम प्रोग्राम्स को थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. जनरली आप लोग मैथ्स में क्या करते हो, बट यदि और यदि हम प्रोग्रामिंग की बात करें, क्या करना होता है हमें, जो भी हमें प्रॉब्लम गिवन होती है उनको हमें छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड करना है. जब छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाएगी तो आपके लिए जो प्रॉब्लम है वो इजी हो जाएगी. ओके, सो यहां पर देखिए, प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रोग्राम, उसको आप थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करो, थ्री टाइप्स के स्टेटमेंट के अंदर डिवाइड करोगे, उसके बाद में प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे हम. सो जो आपके प्रोग्राम को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, सबसे पहला जो पार्ट होगा आपके प्रोग्राम का वो होगा इनपुट. इनपुट क्या चाहिए आपके प्रोग्राम को, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे. राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स टाइम इन सेकंड्स एज इनपुट. तो आपको आपको क्या लेना है, टाइम इनपुट में लेना है. किसमें, सेकंड्स के अंदर इनपुट में लेना है. सो अब आप लोगों को सभी को पता है विच स्टेटमेंट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. वी हैव टू यूज हियर इनपुट स्टेटमेंट, इनपुट. ओके, सो हमें क्या करना होगा, एक वैल्यू, only single value input में लेनी है. so we have to use one input statement in this program. okay, और यहाँ पर क्या दिया है, 3636 दिया है. that means हमें क्या करना होगा, input क्या करता है, हमेशा data string format में लेगा. तो इसको हमें किस format में लेना है, integer format में लेना है. तो हमें यहाँ पर type casting भी use में लेनी होगी. ये हम cover कर चुके हैं पीछे जितने भी videos आप लोगों ने देखे हैं उनमें. okay, then this is the first part of your program. then input क्या लेना है, जो सेकंड पार्ट आएगा वो होगा हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये जो सेकंड्स हमने इनपुट में ली है इनको आवर्स में कन्वर्ट करना है, इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करना है, और कुछ सेकंड्स ऐसी भी होंगी जो ना तो आवर्स में कन्वर्ट हो पाई है ना ही मिनट्स में कन्वर्ट हो पाई है, ये लेना है. ठीक है, देन फाइनली जब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को, सबसे पहले बात आती है कि इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे. ठीक है, वो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं. देन इसके बाद में हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट को प्रिंट करवाना है, आउटपुट हमको हमें प्रिंट करवाना है. सो हमने क्या किया, प्रोग्राम को थ्री स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया.
थ्री पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया. द फर्स्ट वन इज द इनपुट, हाउ मेनी इनपुट वैल्यूज आर रिक्वायर्ड एंड विच टाइप ऑफ इनपुट वैल्यूज आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम. देन सेकेंड इज द व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है. देन आउटपुट, जो भी आपने कैलकुलेट करने के बाद में आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हमें प्रिंट करवाना है. सो यू कैन डिवाइड ईच प्रोग्राम इन दीज थ्री पार्ट्स. ओके, नाउ फर्स्टली डिसाइड हाउ मेनी इनपुट वैल्यूज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोग्राम. फॉर दिस प्रोग्राम ओनली वन वैल्यू इज रिक्वायर्ड, सो वी विल टेक वन इनपुट स्टेटमेंट. देन आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट सेकेंड इन टू द आवर्स. देन सपोज आपने 7200 एंटर कर दिया, 7200 में कितने आवर्स होंगे, कैसे निकालेंगे. यदि मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 3600 से, 3600 से क्यों किया, बिकॉज इन द वन आवर वी हैव 60 मिनट एंड इन वन मिनट वी हैव 60 सेकेंड. सभी को पता है यदि हम इन दोनों को 60 × 60 करते हैं तो क्या आएगा, 3600. ये क्या है, ये सेकेंड्स है वन आवर के अंदर, सेकेंड्स इन वन आवर, वन आवर के अंदर ये सेकंड्स है. तो किसी भी सेकंड को यदि आप 3600 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, ये आवर्स में रिटर्न करेगा वैल्यू, टू आवर्स. ये एक परफेक्ट वैल्यू है 7200, जिसके अंदर आपका टू आवर्स आ जाएगा. ओके, अब कुछ सेकंड्स ऐसे भी बचेंगे, सपोज दैट आपने एंटर कर दिया 7272. अब इसमें क्या 72 सेकंड्स ऐसी बच गई जो ना तो आवर्स में कन्वर्ट हो पाई है ना ही, और ये जो 72 सेकंड्स बची है आवर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाई, तो इनको हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 60 कर देना. जब डिवाइड बाय 60 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा. यानी कि क्या हुआ, इसमें 2 तो आवर्स हो गए और इसमें 1 मिनट हो गया. अब बीच में यहां पर कॉलन साइन भी लेके आना है प्रिंट स्टेटमेंट में. अभी भी कुछ सेकंड्स ऐसी बची हैं जो आवर्स में और मिनट दोनों में ही कन्वर्ट नहीं हो पाई. कितनी सेकंड्स बची है, देखिए 72 डिवाइड हुआ 60 से, वन टाइम डिवीजन हुआ, 12 सेकंड्स और बच गई. अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 72 का रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा 60 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा 12. सो 12, इस तरह से हमें ये वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ओके, देन फाइनली हमें प्रिंट कराना है. लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है इस प्रोग्राम को करते टाइम. यहाँ पर देखिए, जब हम हमारे पास में डिवीजन साइन, एक तो हमारे पास में ये डिवीजन है और दूसरा हमारे पास में फ्लोर डिवीजन है, तो यहाँ पर आपको कौन सा डिवीजन यूज में लेना होगा. आपको रिजल्ट किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, फ्लोर डिवीजन यूज में लेना होगा. यदि आपने सिंगल ये डिवीजन यूज में लिया है, इसके लिए आपका जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में आएगा. ओके, यदि आपने सपोज दैट 7272 इनपुट में दिया है तो 2. समथिंग जो रिजल्ट आएगा वो आएगा. ओके, चलो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग व्हाइट बोर्ड. पहले डायरेक्टली सिस्टम पर करने के बजाय एक बार के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि किस तरह से इसको आपको करना है. ओके, उसके बाद में सेम प्रोग्राम हम एक बार हम कोडिंग करते हैं, उसके बाद में इसको सिस्टम में ट्राई करेंगे. नाउ देखिए, हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम के अंदर एक वैल्यू इनपुट में लेनी है. वन वैल्यू इनपुट में लेने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल लेना होगा. सपोज वो हमें टाइम्स इन सेकंड्स ये था, तो मैंने सेकंड्स नेम से, एसईसी नेम से एक वेरिएबल ले लिया. अब यहाँ पर हमें किस टाइप का डेटा चाहिए, इंटीजर टाइप का चाहिए, तो हमने क्या किया, एक इनपुट फंक्शन यूज में लिया और यहाँ पर कर दिया एंटर टाइम इन सेकंड्स. ओके, देन इनपुट फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, बट ये क्या करेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा लेता है, तो हमने यहाँ पर बाहर एक टाइपकास्ट ऑपरेटर int स्पेसिफाई कर दिया. अब इसके पास में कोई भी वैल्यू है, हमें क्या करना है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है. HR name से एक वेरिएबल लिया मैंने और इसको सेकेंड्स फ्लोर डिवीजन 3600. सबसे पहला स्टेप यही था हमारा, मैंने ये बोला था यदि आपने इनपुट में 7272 किया हुआ है, यदि आप इसको डिवाइड कर देते हो किससे, 3600 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2. यदि आपने फ्लोर डिवीजन नहीं लिया, यहाँ पर फ्लोटिंग डिवीजन यूज में लिया है, उस टाइम 2. रिजल्ट आता है, लेकिन हमें आवर्स में क्या चाहिए, ओनली इंटीजर डेटा चाहिए, इसके लिए हमने फ्लोर डिवीजन किया है. अब देखिए 2 आ गया, यानी कि 7200 जो सेकंड्स थी वो तो कन्वर्ट हो गई, कितनी बची हैं, 72 सेकंड्स बची हैं. अब ये 72 सेकंड्स कैसे निकालेंगे,
हियर वी हैव टू यूज मॉडुलस ऑपरेटर. मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर को रिटर्न करेगा. सो हमें यहाँ पर अब रिमेनिंग सेकेंड्स के लिए देखिए, सेकेंड्स का हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है 3600 से. अब इसका जो रिजल्ट आएगा इसके लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिएगा, तो चाहो तो आप एक नया वेरिएबल ले सकते हो या फिर ये जो सेकेंड वेरिएबल है आप इसी को भी वैल्यू असाइन करवा सकते हो. चलो मैं एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ, आर एस नेम से वेरिएबल ले लिया रिमेनिंग सेकेंड्स, आर एस इक्वल टू सेकेंड्स मॉडुलस 3600. देन अब जितनी रिमेनिंग सेकेंड्स बची है इनका हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो रिमेनिंग सेकेंड्स डिवाइड बाई यदि मैं 60 करता हूं, दैट मीन्स हमने क्या किया, 72 को 60 से डिवाइड किया है, क्या जाएगा, 1 मिनट आ जाएगा. अब कितने सेकेंड्स और बची है, वापस से रिमेनिंग सेकेंड्स ले लिया, रिमेनिंग सेकेंड्स मॉडुलस 60, क्या करेगा ये 72 मॉडुलस 60 क्या रिटर्न कर देगा, 12. तो आपके पास में क्या आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया और 12 भी आ गया. अब इनको प्रिंट करवाना है, लेकिन बीच में क्या आना चाहिए, कॉलन साइन भी आना चाहिए. सो आपको याद होगा हमने प्रिंट स्टेटमेंट की फंक्शनिंग करी थी, उसमें एच आर आ गया आवर्स, देन जो चीज आपको एज इट इज प्रिंट करानी है उसको आप डबल कोट्स में रखिए, उसके बाद में आपका मिनट्स आ जाएगा, एम आई एन आ गया, उसके बाद में वापस से कॉलन साइन, उसके बाद में आपका सेकेंड्स रिमेनिंग सेकेंड्स आ जाएगा. ये आपका प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है. ओके, अब इस प्रोग्राम को मैं जुपाइटर के ऊपर करके शो करूंगा, इससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि हमने जो कोड लिखा है क्या वो करेक्ट है या नहीं है. सो अब हम बात करते हैं, चलो जुपाइटर के अंदर कर रहा हूं मैं आइडियली की बजाय, यहाँ पर जुपाइटर ओपन है. जब भी आप जुपाइटर को ओपन करोगे तो आपका आपकी जो स्क्रीन है वो वेब डायरेक्टली वेब ब्राउजर ओपन होगा, और वेब ब्राउजर के अंदर आपको न्यू में जाना है, न्यू में पाइथन 3. ये स्टेप्स मैं बता चुका हूँ वैसे ऑलरेडी. यहाँ पर हमें क्या करना है, जो प्रोग्राम अभी हमने कोड लिखा था उस कोड को मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ थोड़ा. सो देखिए हमने क्या किया था, एक इनपुट में वैल्यू ली थी. सो इनपुट एंटर टाइम इन सेकेंड्स, ओके. देन इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, सेकेंड्स को हमने इंटीजर डिवीजन किया था, फ्लोर डिवीजन यूज में लिया था. अब यहां पर हमने क्या किया, एक रिमेनिंग सेकेंड्स को स्टोर करने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई करके 3600 आर एस नेम से वेरिएबल लिया था. अब हमें क्या चाहिए, मिनट्स की वैल्यू चाहिए. मिनट क्या होगी, रिमेनिंग सेकेंड्स को यदि मैं डिवाइड कर देता हूं 60 से, यही किया था हमने. देन अब रिमेनिंग सेकेंड्स कितनी बचती है, रिमेनिंग सेकेंड का हमने रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया 60 से. ओके, देन फाइनली हमें प्रिंट करवानी है वैल्यू को. प्रिंट में सबसे पहले आवर्स आने हैं, उसके बाद में हमें कॉलन साइन स्पेसिफाई करना है, इसके बाद में आपकी मिनट्स की वैल्यू आ जाएगी. मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंट में कॉमा से सेपरेट होते हैं, पता है आप लोगों को. उसके बाद में आपके सॉरी रिमेनिंग सेकेंड्स आ जाएगा. ओके, देन योर प्रोग्राम इज कंप्लीटेड. अब आपको क्या करना है, इसको रन करना है. जैसे आपने प्रोग्राम को रन किया, इसने सबसे पहला स्टेटमेंट आपका कौन सा था, सेकेंड इनपुट. सो इसने इनपुट में एक वैल्यू मांगी, मैंने 7272 का एग्जांपल लिया था, तो इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, यहां पर देखिए सॉरी एक मिनट की वैल्यू देखिए 1.2 आ रही है. क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहां पर डिवीजन साइन यूज में लिया है, ना कि फ्लोर डिवीजन. एक बार के लिए इसको वापस रन करके देखते हैं. सो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा इससे कि आपने यदि इंटीजर ये फ्लोर डिवीजन यूज में नहीं लिया तो क्या होगा. सो यहां पर देखिए आपके पास में जो टाइमिंग आया है वो 2 hours 1 minute and 12 seconds आए हैं. सो आई थिंक होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमने किस तरह से प्रोग्राम बनाया है. अब यदि हम इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो था सिक्वेंस कंट्रोल फ्लो का. इसमें देखिए सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद में लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद में लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो रही है. सारी स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगे. ओके, सारी स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंस कंट्रोल फ्लो बोलते हैं, राइट. देन यहां इस प्रोग्राम को मैंने आपको ये भी बताया था स्टार्टिंग में कि हम कोई भी प्रोग्राम हो उसको 3 parts के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. सो ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 है आपका, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 ये क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट लेने की ट्राई कर रहा है. सो ये क्या हो गया, आपका इनपुट वाला पार्ट हो गया,
देन यहां से लेके यहां तक ये जो वैल्यूज है, ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या कर रहे हैं, ये वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। ये लास्ट क्या कर रहा है, वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा है, जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया है ये उसको डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये डिस्प्ले वाला पार्ट हो गया। सो यू कैन डिवाइड योर प्रोग्राम इनटू थ्री पार्ट, द इनपुट, कैलकुलेशन एंड द प्रिंटिंग रिजल्ट। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑन द बेस ऑफ सीक्वेंस कंट्रोल फ्लो। एक और एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। द नेक्स्ट वन इज राइट ए पाइथन प्रोग्राम that takes name and marks of six subject as input from user and calculate total and percentage marks. So, एक बार के लिए वापस से स्टार्टिंग से करते हैं इस प्रोग्राम को कि हमें क्या क्या इनपुट में चाहिए। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है that takes name. तो एक तो हमें नेम की वैल्यू इनपुट में चाहिए। अब नेम किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। एंड मार्क्स ऑफ सिक्स सब्जेक्ट, अब सिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट में लेने हैं, सिक्स मार्क्स इनपुट में लेने हैं। मार्क्स अब इंटीजर में भी हो सकते हैं, आपके फ्लोट में भी हो सकते हैं, तो आपकी चॉइस है आप किस में लेना चाह रहे हो, क्योंकि इसमें कहीं भी डिस्क्राइब नहीं है। और सपोज दैट आप आउट ऑफ 100 यूज में ले रहे हो इसको, मैक्सिमम मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 है, ज्यूम कर लीजिए एक बार के लिए। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये तो हो गई इनपुट वैल्यू, कैलकुलेट क्या करना है, ये तो इनपुट पार्ट हो गया। ओके, कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक तो टोटल मार्क्स और एक परसेंटेज। ओके, ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। देन जो चीज हमने कैलकुलेट किया डेफिनेटली उसको हम प्रिंट भी करवाएंगे, तो इन दोनों वैल्यूज को हम प्रिंट भी करवा देंगे। तो देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे होगा। इसको मैं डायरेक्टली कर देता हूं जुपिटर के ऊपर, हमने अभी किया था। सो देखिए हमें क्या चाहिए, सॉरी हमें चाहिए स्टूडेंट का नेम एज इनपुट। तो क्या करेंगे, नेम एक वेरिएबल ले लिया, कोई कंपलसरी नहीं है आप नेम वेरिएबल लें, आपकी मर्जी है, आप जो वेरिएबल नेम यूज में लेना चाह रहे हो वो आप यूज में ले सकते हो। मैं अभी यहां पर कोई भी कमेंट वगैरह स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, बाकी परफेक्ट प्रोग्रामिंग वो होती है जिसमें हम कमेंट्स वगैरह हर एक चीज स्पेसिफाई करें, बट फिलहाल के लिए एक बार हमारा मोटिव ये है कि हम प्रोग्राम बनाएं कैसे, वो सीखना है। ओके, सो नेम को हमने इनपुट में लिया, नेम क्या है, एक मल्टीपल करेक्टर्स रहेंगे इसके अंदर, सो हमने इसको स्ट्रिंग में लेना है, तो टाइप कास्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सपोज दैट हमें मार्क्स ऑफ सिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट यूज में लेने हैं। मैं इंग्लिश के मार्क्स को स्टोर करने के लिए ENG नेम से वेरिएबल ले रहा हूँ। देन मैंने यहाँ पर इनपुट फंक्शन अप्लाई किया, लेकिन उससे पहले टाइप कास्ट ऑपरेटर INT यूज में लिया क्योंकि हमें न्यूमेरिक में डेटा चाहिए। एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, राइट। चलो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, टाइम लगेगा। 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स हमें लेने हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर फिजिक्स स्पेसिफाई कर दिया, केमिस्ट्री स्पेसिफाई कर दिया, मैथ्स CS कर दिया, देन सपोज फिजिकल एजुकेशन के लिए PEDU कर दिया। रिमेंबर यू हैव टू यूज वैलिड आइडेंटिफायर, P.EDU आप अप्लाई नहीं कर सकते हो यहां पर, क्योंकि हमें यहां पर क्या चाहिए, एक वैलिड आइडेंटिफायर चाहिए। डबल कोट्स में आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो चलेगा, बट वेरिएबल का नेम एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। मैथ्स के बाद में आपका आ गया CS एंड लास्ट इज फिजिकल एजुकेशन, सो E.EDU। ओके, हमने क्या किया, सिक्स सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट में ले लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। सो आई एम यूजिंग टोटल वेरिएबल, टोटल मार्क्स यदि आप यूज में लेना चाहे तो बीच में अंडरस्कोर साइन आप यूज में ले सकते हो। इन सभी का हमें सम करना है। सो सभी वैल्यूज को हमने प्लस ऑपरेटर के साथ में ऐड कर दिया।
टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब परसेंटेज फाइंड आउट करना है, सो टोटल परसेंटेज फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई करोगे। मैंने बोला था आउट ऑफ 600 मान के चलना आपको, तो टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स हो गए वो 600 हो गए। देन फाइनली आपको प्रिंट करवाना है, सो प्रिंट में मैंने स्पेसिफाई कर दिया टोटल मार्क्स इक्वल टू, यहाँ पर आपका क्या होगा, जो चीज आपने डबल कोट्स में लिखी है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, देन कॉमा के बाद में प्रिंट, प्रिंट में मैंने परसेंटेज मार्क्स में स्पेसिफाई कर दिया। जैसे आपने रन किया तो ये आपसे नेम मांगेगा, नेम में सपोज आपने स्पेसिफाई कर दिया अमित, देन मार्क्स ऑफ इंग्लिश सपोज आपने स्पेसिफाई कर दिया, मार्क्स अपने अकॉर्डिंग आप एंटर करते जाइए, देन देन इट शोज द रिजल्ट। ओके, हमने यहां पर इंटीजर जो डिवीजन साइन था वो हमने स्लैश साइन यूज में लिया हुआ है, तो डेसिमल में डेफिनेटली आंसर आएगा। तो आपके जो टोटल मार्क्स है वो है 544 एंड योर परसेंटेज मार्क्स इज 90.6। ओके, सो नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल ऑन द सीक्वेंस कंट्रोल फ्लो। आई थिंक ये चीज क्लियर हो रही होगी कि प्रोग्राम हमें किस तरह से बनाने हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। सो एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों को सॉल्व करनी है। Write a Python program that takes price, quantity and discount rate as input from the user and calculate amount, discount and net amount. So, एक आइडिया बता देता हूं कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे प्रोग्राम स्पेसिफाई करना है, बट ट्राई आपको करना है, बेटर है कि जब तक आप खुद प्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। सो बाकी यदि नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। नाउ देखिए, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स प्राइस क्वांटिटी एंड डिस्काउंट रेट। सो हियर सपोज दैट आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, सो जो आपको बिल मिलता है आप, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, प्राइस होती है, क्वांटिटी होती है एंड क्या डिस्काउंट रेट उसके ऊपर अप्लीकेबल है वो, ठीक है। सो आपको यहां पर क्या करना है, इनपुट में क्या क्या चाहिए, इनपुट में हमें चाहिए प्राइस, हमें चाहिए क्वांटिटी और हमें चाहिए डिस्काउंट रेट। ये तीन चीजें इनपुट में हमें चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के, यदि आपको फाइनल कितना अमाउंट पे करना होगा तो आपको ये तीन चीजें रिक्वायर है, तो ये तीन चीजें हमें इनपुट में प्रोवाइड करनी है। जैसे सपोज दैट आपको कोई 100 रुपीज प्राइस के 10 आइटम्स परचेज करने, तो प्राइस हो गई 100, क्वांटिटी हो गई 10 एंड सपोज दैट आपको उसके ऊपर 5% डिस्काउंट भी मिल रहा है। ओके, सो आपको कितना पे करना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो आपको अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। अमाउंट क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, सो 100 इनटू 10 दैट मींस अमाउंट क्या हो गया आपका 1000 हो गया। अब इस 1000 के ऊपर आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है, सो 1000 इनटू 5 डिवाइड बाय 100 ये क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा। डिस्काउंट अमाउंट कितना हो गया आपका 50। अब आपको कितना पे करना होगा, कितना पे करेंगे हम, 1000 माइनस 50 सो वी हैव टू पे 950। ये सब जो हमने कैलकुलेशंस की है इसके लिए हमें प्रोग्राम करना है। ओके, इसके लिए आपसे ये प्रोग्राम पूछा गया है। सो यहां पर आपको क्या करना होगा, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी एंड डिस्काउंट रेट, ये तीन चीजें आपको एंटर करनी है। ध्यान रखना परसेंटेज आप स्पेसिफाई नहीं करोगे, यदि परसेंटेज स्पेसिफाई करने लगेंगे तो हम यहाँ पर जो डेटा होगा वो स्ट्रिंग टाइप में लेना होगा और स्ट्रिंग के ऊपर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। सो आपको ओनली प्राइस स्पेसिफाई करना है, फिर कोई भी डिस्काउंट रेट आप स्पेसिफाई करोगे यहाँ पर। यदि आपको प्राइस क्वांटिटी, प्राइस और डिस्काउंट रेट डेसिमल में चाहिए तो जो टाइप कास्टिंग हमने इंटीजर को लेके किया था उसकी जगह पर फ्लोट करोगे। ओके, देन
उसके बाद में आपको क्या करना है, जो इनपुट वैल्यूज है प्रोवाइड करवाई, अब हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अमाउंट, हमें डिस्काउंट का अमाउंट भी फाइंड आउट करना है और हमें नेट अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। ये तीनों चीजें हम फाइंड आउट करेंगे और फाइनली हमने तीन चीजें प्रिंट भी करवानी है, क्योंकि जो भी हमने कैलकुलेट किया है उसको हमें प्रिंट भी करवाना है। ओके, सो ट्राई इट योर ओन, अपने आप ट्राई कीजिए, सिस्टम पर रन करके देखिए। यदि आपसे ये प्रोग्राम सक्सेसफुली बनता है, दैट मीन्स आप पाइथन के अंदर जो सिंपल प्रोग्रामिंग है, सो सिक्वेंस कंट्रोल फ्लो के एग्जाम्पल्स हैं, वो आप कर पाओगे, चाहे किसी भी टाइप का कोई भी प्रोग्राम आ जाए। यदि आपके पास में और भी कोई यदि डिफिकल्टी आती है किसी प्रोग्राम में, तो आप अपना कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो मेरे को। फॉर दिस वीडियो इन द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑफ द सिक्वेंस कंट्रोल फ्लो, इट्स इनफ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।